ओए चाबी वाले, ओए सरदार। मैं? हाँ तू, और कौन? मेरी गाड़ी में चाबी फंस गई है, नई चाबी जल्दी से बना दे मेरी। अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे क्या समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, ये दुकान तेरी है ना, चाबी वाला तू ही है ना, तो चल ठीक कर जल्दी से। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दुकान मेरी नहीं है, मैं चाबी वाला नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही यहाँ पे खड़ा था। और वैसे भी अगर मैं चाबी वाला होता भी ना, तो आपको इतनी बदतमीजी से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ओ हेलो, मुझे मत सिखा, मुझे किसी तमीज से बात करनी चाहिए। वैसे भी जो ये सारे चाबी वाले होते हैं वो ज्यादातर सरदार तो होते हैं। तुझे भी तो आती होगी बनाने, इतना बना देना यार, वैसे बहुत गर्मी हो रही है। देखिए आप हद से गुजर रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं आप मुझे कुछ भी सुनाते जाएंगे। ओ हेलो, अपनी बकवास बंद कर, तुझे पता भी है कौन हूँ मैं? बताइए जरा कौन है आप? सब क्या हुआ, सब कुछ काम था क्या? तू कौन? सब ये मेरी दुकान है, मैं चाबी वाला। अच्छा तू है चाबी वाला, एक काम कर, मेरी गाड़ी में चाबी फंस गई है, चल के देख क्या दिक्कत है। जी साहब अभी देख लेता हूँ, आइए। ये लीजिए सर, आपकी गाड़ी खुल गई, 200 रुपए हो गए मैम साहब। ओ हेलो, 200 रुपए किस बात के हुए? वो मैम साहब आपका लॉक खराब हो गया था ना, पूरा रिपेयर किया है तो 200 रुपए तो बनते हैं ना। तुझे पता है ना कौन हूँ, वो गाड़ी देख किसकी है? सरकारी अफसर से पैसे मांगता है? नहीं नहीं सब ऐसा तो नहीं है। कल सुबह सुबह तेरी दुकान उठवा दूंगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं सब, मेरी दुकान मत उठवाइएगा, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा, पैसे दे दो। अरे भैया, वो एक लड़का और लड़की खड़े थे यहाँ पे जो बदतमीजी से बात कर रहे थे, कहाँ चले गए? सब वो लोग तो चले गए और हमारा पैसा भी नहीं देकर गए। पैसा नहीं देकर गए क्यों? पता नहीं साहब, कह रहे थे कि हम सरकारी अफसर हैं, तुम्हारा ठेला हटवा देंगे, इसलिए हम कुछ बोले ही नहीं और वो चले गए बिना पैसा दिए। सरकारी अफसर? अच्छा आपके कितने रुपए हुए थे? 200 रुपए साहब। आप एक काम कीजिए, आप ये रखिए। लेकिन साहब आप क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं भैया, आपकी हक की कमाई है ना, आपकी मेहनत की कमाई है, वो नहीं छीननी चाहिए। रही बात तो सरकारी अफसर की, तो उसको मैं दे दूंगा। मैडम मैं कमिंग कमिंग मैम, ये क्या है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स और वो भी इतनी दूर के, हम कहाँ जंगलों में भेज रहे हो? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, कहाँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ जाऊँगा, और तो और कमाई भी नहीं होती वहाँ पे मैम। देखो अक्षति, जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, और अगर तुमने कोई भी बात करनी है तुम डायरेक्टली डायरेक्टर सर से बात कर सकते हो। वो जगन्नाथ सर से बात करनी पड़ेगी? नहीं वो तो पिछले महीने चेंज हो गए थे, अब ढिलो सर है तो आप उनसे बात कर सकते हो। पर मैम उसके लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा मुझे। नहीं चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, वो यही फिर 2 दिन से आया गुड़गांव में और वो सारे ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, तो आज शाम को यहाँ पे आएंगे, तुम डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। हमारे ऑफिस में? ठीक है मैम, मैं शाम को उनसे बात करता हूँ। थैंक यू मैम। मिश्रा जी, इस एरिया का इंचार्ज कौन है? सर वो मिस्टर राज हैं, बुलाइए उनको। हाँ उनको बुलाया है, बस आते ही होंगे। सर मैं कम इन। अरे ये हमारे नए डायरेक्टर हैं। ओह शिट। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ हाँ सर, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। इसमें पिछले महीने की एंट्रीज क्यों नहीं है? लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। चलो अच्छा है। वो सर वो दूसरी फाइल में अपडेट कर रखी है, मैं आज ही कर दूंगा उनको अपडेट। इनको जल्दी से अपडेट कीजिए और अपडेट करने के बाद फाइल मुझे दिखाइए। ये तो अच्छे इंसान लग रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलिए। सर वो मेरा ना ट्रांसफर लेटर, आपका ट्रांसफर ऑर्डर मैंने ही करवाया था। आपको क्या लगा मैं भूल गया हूँ कि आपने कल क्या किया था? मुझे अच्छे से याद है मिस्टर राज, पहले मुझे ये लगा था कि शायद आपको गलतफहमी हो गई है और उस चक्कर में आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने उस चाबी वाले के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया था, यहाँ तक कि आपने उसको मेहनत के हक की कमाई भी आपने उससे नहीं दी, शर्म आनी चाहिए आपको। हम लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट है, हमारा काम आम जनता की सेवा करना है, ना कि उनको परेशान करना। आप जैसे लोग होते हैं जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आजकल आम जनता सरकारी ऑफिस में जाने से डरती है। उनको लगता है कि सरकारी अफसर उनको एक्सप्लोइट करेंगे, उनको तंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों ने सरकारी अफसर की ऐसी इमेज बना रखी है, और अगर मैं चाबी वाला होता भी ना, तो भी आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि वो चाबी वाला ना आपसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वो पूरा दिन धूप में मेहनत करता है, काम करता है और फिर कुछ कमाता है, ना कि आपकी तरह जो कि दूसरों को जाकर परेशान करते हैं। ये तो मेरी अच्छाई मानिए कि मैंने आपका सिर्फ ट्रांसफर किया, आपको सस्पेंड नहीं किया, नहीं तो आपकी प्रमोशंस भी रुक जाती और आपका करियर यहीं पर ख़त्म हो जाता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके खिलाफ अभी कार्रवाई बिठाऊं? नहीं नहीं सर, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कार्रवाई की गई ना, तो आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे,
मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था। खैर आप जैसे लोग कभी समझते नहीं हैं। यू कैन गो नाउ। पर सर आई सेड यू कैन गो नाउ।